तो नुमाई क्रिकेट स्कूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि टेनिस बॉल से आप स्विंग कैसे करा सकते हैं। तो हम आपको पहले नंबर बात बता दें कि टेनिस बॉल से जो स्विंग नेचुरल जो स्विंग होता है वो तो नहीं होता है, वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि स्विंग उसी कंडीशन में होते हैं जब बॉल पर सीम रहते हैं। तो जहाँ तक ड्यूज बॉल की सवाल हो गया, तो ड्यूज बॉल में सीम उस पर होते हैं, तो सीम से हवा कटती है तो उस अनुसार से स्विंग होते हैं। बट इसमें टेनिस बॉल में स्विंग नहीं होते हैं, फिर भी आपको हम बताते हैं कि आप इसको स्विंग करा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो बात है, तो आप टेनिस बॉल में बॉल को अंदर बाहर कर सकते हैं, आप अपने एंगल से कर सकते हैं। तो पहली नंबर बात जो है, हम आपको बताते हैं कि एंगल से अंदर और बाहर कैसे करना है। तो जैसा कि हो गया दोस्तों, अगर आपको बॉल अंदर की तरफ लाना है, तो आपको एक्शन में थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से आकर के एक्शन में इस तरीके से लाना पड़ेगा, इधर से लाना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से। आपको हो गया, ये पहला हो गया। तो आपको स्विंग अगर करानी है अंदर की तरफ, क्योंकि एंगल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका एंगल क्रिएट हो गया तो आपका बॉल ऑटोमेटिक अंदर जाएगा, इससे हो गया। तो पहला आपको जो करना है, एंगल आपको बनाना है इस तरीके से, यहाँ से आकर के थोड़ा हल्का सा इस तरीके से एंगल बनाना है, यहाँ से हल्का सा यहाँ से एंगल बनाना है। तो इससे आपको अंदर की तरफ बॉल जाएगा। और आपका जो हो गया बाहर की तरफ, तो बाहर के लिए भी आपको सेम आपका जो एक्शन है वो करना है उसके लिए। और यहाँ से जो हाथ है आपका, वो हल्का सा यहाँ से ये देखिए, बाहर के लिए जो आपका है यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हल्का सा यहाँ से जाएगा इस तरीके से, तो आपका बॉल ऑटोमेटिक बाहर जाएगा। तो ये हो गया, दूसरा हो गया। और एक ट्रिक आपका और है, जो कि जिसको आप लोग कहेंगे कि अगर आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप बॉल को अच्छे तरीके से एयर में स्विंग करा सकते हैं। क्योंकि आप लोग जब बॉल में स्पीड ज़्यादा होती है तो बॉल ऑटोमेटिकली से घूमते हैं, जिसे हम पताना भी कहते हैं। तो उस तरीका से अगर आपका पेस अधिक है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगी। तो इसलिए आप पहले पेस इंक्रीज करेंगे और इसके अनुसार से आप अगर इसको अंदर बाहर कर सकते हैं, तो जो हमने आपको ट्रिक बताया अंदर के लिए इस तरीका से हो गया, ये अंदर के लिए ये हो गया, ये इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और बाहर के लिए जो हो गया, बाहर के लिए ये हो गया, इस तरीका से हो गया, ये बाहर के लिए हो गया। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये बेटर है, ज़्यादा बेटर है। और अगर आप पेस ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं तो आपको उससे ज़्यादा मदद मिलेगी, आप पेस में ज़्यादा स्विंग करा पाएंगे, ताकि बॉल जो पताना जिसको कहते हैं, अगर आपके बॉल में ज़्यादा पेस होगा तो बॉल ऑटोमेटिक अंदर बाहर होगा, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप ये एंगल ट्राई करके देख सकते हैं, इससे काफ़ी बॉल घूमेगा। आप जिधर अंदर की तरफ ट्राई करो या बाहर की तरफ ट्राई करो, तो ये आपको एंगल से अंदर या बाहर आएगा गेंद। तो ये आप ट्राई करके देखो, आपको 100% सफलता मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिएगा और माई क्रिकेट स्कूल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।